खबर शामिल करते हैं बाबरपुर की तहसील हासलपुर से, जहां हासलपुर शहर और इसके गिरदोनवा में इंतजामिया की नाहली की वजह से दो हफ्तों से पानी की शदीद किल्लत का सामना। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत पर हासलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड में भी शदीद गर्मी से शहरी परेशान, पानी ना मिलने की वजह से शहरी एहतजाज करने पर मजबूर। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर राणा मोहम्मद सईद। जी राणा मोहम्मद सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी अब्बास, ऐसा ही है। हासलपुर में दो हफ्तों से पीने के पानी की बंदिश से पूरा शहर सरापा एहतजाज, शहर मिनी करबला का मंजर पेश करने लगा। ज़मीनी पानी कड़वा और नाकाबले इस्तेमाल होने की वजह से पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बच्चे, जवान, ख़वातीन सारा दिन पीने के पानी की तलाश में दर बदर भटकते फिरते हैं, मजबूर हो गए हैं। ज़मीनी पानी इस्तेमाल करने से लोग खारिश और पेट के अमराज में मुबतला हो रहे हैं। सबका बल्दियाती हुकूमतों के दौर में करोड़ों रुपए की लागत से चक डोरा जखीरा में बावल कैनाल के किनारे पर टर्बाइनें लगाकर शहर को पानी की सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस मेगा प्रोजेक्ट में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल से आए रोज पानी के पाइप फटने लगे, जिनकी मरम्मत पर भारी भरकम खर्च आता है। अब हासलपुर में एक हफ्ता में दो बार पानी के पाइप फटने से 15 रोज से पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल है। दिलचस्प अमर यह है कि सबका हुकूमत के 3 साल दौर में एक बार भी पानी का पाइप नहीं फटा। शहरियों ने पानी की सप्लाई बंद होने पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि पानी के पाइप फटते नहीं बल्कि फाड़े जाते हैं और इस मद में भारी बिल बनाकर बंदर बांट की जाती है। शहर को फिल फोर पानी की सप्लाई दी जाए, जबकि मुतासर इलाकों में वाटर बोजर के जरिए पीने का पानी मुहैया किया जाए। जी अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग इतनी ही नाजुक है तो स्विच टू पेल विद इंस्टाकूल, पाकिस्तान्स फास्टेस्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर।